मेरे प्यारे देशवासियों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं रोज आपके पास कुछ विषय लेकर आता हूँ जो राष्ट्र हित के लिए परम आवश्यक हैं, लेकिन आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह इस देश के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। एक ओर हम अपने देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को हम विश्व पटल पर सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ सबसे पहले इस विषय पर कार्य करना आवश्यक है, उसके बाद बाकी की योजनाएं बाद में क्रियान्वित हों। मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि मेरे विषय को आप चिंता न करें और इसे जनमानस में संचारित करें। लेकिन अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको दो घटनाएं गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की एक मानी जानी एजेंसी के द्वारा जब यह सर्वे किया गया कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, अर्थात किस देश में सबसे ज़्यादा वर्किंग कल्चर होता है, तो इसमें सबसे पहला स्थान अमेरिका का आया, अर्थात अमेरिका के लोग विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, वह अपने कार्य को अधिक समय तक सबसे ज़्यादा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें दूसरा स्थान जापान का आया और इसमें तीसरा स्थान चाइना का आया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इसमें हमारे देश का स्थान बहुत पीछे था। अब मैं एक दूसरी घटना को आपको बताता हूँ। एक बार एक पत्रकार ने चीन के एक मंत्री से प्रश्न किया कि भारत के साथ आपके संबंधों के विषय में आपकी क्या राय है, तो उस मंत्री ने कहा कि भारत और हमारे देश का कोई मुकाबला नहीं है। पूछने पर कारण बताया कि हमारे देश में वर्किंग कल्चर है, अर्थात हमारे देश के लोग मेहनती हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ वर्किंग कल्चर नहीं है, तो भारत और हमारे देश का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इन विषयों को उठाकर आपको एक सत्य से रूबरू करवाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, वर्किंग कल्चर अर्थात कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की आदत हमारे देश में है या नहीं, लेकिन हमारे देश में वर्किंग कल्चर थोड़ा सा कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं चाहता हूं कि मेरे देश में वर्किंग कल्चर आए। एक और हम शासन को तरह तरह के आरोप लगाते हैं बेरोजगारी का, लेकिन बेरोजगारों के विषय में बताना चाहता हूं कि बेरोजगार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाकई जिन्हें काम की तलाश है लेकिन काम नहीं मिल पाया, वो बेरोजगार हैं। दूसरे वह बेरोजगार हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, वह समाज पर और शासन पर आरोप लगाना चाहते हैं कि हमें काम नहीं मिला, जबकि वास्तविकता में वो कार्य ही नहीं करना चाहते। ऐसे लोग आराम तलब होते हैं, अपना समय यहाँ वहाँ टाइम पास करके बिताना चाहते हैं और देश और शासन को दोष देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देश की अर्थव्यवस्था को हमें आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम कार्य करें, मेहनत करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। सब कोई नौकरी करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकता, क्योंकि बाजार की व्यवस्था को हम जब देखते हैं तो यहाँ हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई नौकरी करे, कोई बड़े बड़े बिजनेस चलाए, कोई कंपनियाँ चलाए, कोई नया नया आविष्कार करे, हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता हमारे देश में होती है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कोई कमी है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, वह अमेरिका में जाकर सर्वोच्च पद पर गूगल के होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वह विश्व स्तर पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि भारत की प्रतिभा भारत में उपयोग हो और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि भारत में वर्किंग कल्चर आए, यहाँ के लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ें, कुछ ना कुछ स्वयं से आविष्कार करें और उस पर कार्य करें। शासन पर दोष मढ़ने के बजाय हमको स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना होगा। कृषक जो है वो खेतों में अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी अच्छी चीज़ों का उत्पादन करें और विदेशों में निर्यात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के लोग काम करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आविष्कार करें। अब उदाहरण के लिए गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारी चीज़ विदेशी कंपनियाँ हैं, तो क्या इन चीज़ों को हम भारत में निर्माण नहीं कर सकते, या और भारत इसका क्या केंद्र नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि भारत में वर्किंग कल्चर होना चाहिए। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं इस बात को पूरी तरह से जानता हूँ कि जिस दिन भारत में वर्किंग कल्चर आ गया, यहाँ के लोग कार्य करना प्रारंभ कर दिए, खोजी दिमाग के हो गए, नए नए चीज़ों को खोज कर उसे विश्व में अपनी सेवाएँ दें,
तो एक दिन वह अवश्य आएगा जब हमारा भारत विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकेगा। और मैं अपने देश के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग कार्यशील बने, कर्मठ बने, मेहनती बने, और यदि उनको सरकारी नौकरी मिली या नहीं मिली तो कम से कम वो इच्छा से स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़े, अपनी बुद्धि का प्रयोग वह देश में अलग अलग विकास कार्यों में स्वयं से करें, स्वयं से विस्तार करें, विश्व को समर्पित करें। मेरे प्यारे भाइयों, इसी शुभकामना के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे मांगता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।